नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि सीरोलॉजी सर्वे के बारे में है। यहाँ पर जो सीरोलॉजी सर्वे है मोस्टली जो कंटेनमेंट जोन्स हैं पूरे इंडिया में जहाँ पर ज़्यादा खतरा है COVID-19 के स्प्रेड होने का, वहाँ पर यह सर्वे करवाया जा रहा है सरकारों की तरफ से। कुछ स्टेट्स में ये सर्वे हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं जो मुंबई में सर्वे हुआ है COVID-19 का। तो वहां पर जो पाया गया है जो स्लम एरियाज में लोग रहते हैं उनमें से जो 57% जो लोग हैं वो जो है वायरस से जो है अफेक्टेड पाए गए हैं। और अगर इनका हम कंपेयर करें जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज में रहते हैं तो उनके मुकाबले ये लोग सिर्फ और सिर्फ 16% ही एंटीबॉडीज जो है जनरेट कर रहे हैं वायरस के खिलाफ। सो आगे दिल्ली के रिजल्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। यहाँ का जो सीरोलॉजी सर्वे करवाया गया था सरकार की तरफ से जो कि 1 महीने पहले हुआ था, वहां पर जो 21,000 के आसपास जो थे और सैंपल्स टेस्ट किए गए थे और उसमें से पाया गया कि 21,000 का जो एक क्वार्टर हिस्सा है, एक चौथाई हिस्सा है वो वायरस से अफेक्टेड थे। और भी जो घने जिले हैं दिल्ली के वहां पर भी जो है इसका 20% तक जो है प्रेवलेंस पाया गया है। सो आगे और भी बात कर रहे हैं कि 7,000 जो केस हैं मुंबई में टेस्ट किए गए हैं जिसमें से जो 61% है वो झुग्गियों झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, वहां पर जो है वायरस का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है ये ज्यादा और तेजी पकड़ ले। और आगे जो बात कर रहे हैं कि जो लोग घने अर्बन एरियाज में रह रहे हैं वहां पर भी जो है लोग ज्यादा इन्फेक्टेड पाए गए हैं। और आगे वो लोग जो इन्फेक्टेड पाए गए हैं उनमें जो एंटीबॉडीज के लक्षण हैं वो भी काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिले हैं। उसके नंबर्स अभी जो है पता नहीं है कितने नंबर्स हैं एंटीबॉडीज में, कितने लोग हैं, इसीलिए शायद जो मुंबई का फर्टिलिटी रेट है वो कम है जो कि 0.05 से लेके 0.10% के आसपास है। और आगे यहाँ पर बात की है, सॉरी, जो एग्जिस्टिंग रेट है वो 5.5% है और आने वाले समय में हो सकता है अगर इसी तरह से एंटीबॉडीज डेवलप हुई लोगों के अंदर तो जो इसका फर्टिलिटी रेट है वो 0.05% से 1.0% तक चला जाए। सो आगे डिस्कस करते हैं जो कि काफी अफेक्टेड स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सीरोलॉजिकल सर्वेस की बात करें तो पूरे इंडिया में इसको बड़ी तेजी से ये सर्वे करवाए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के द्वारा। तो यहाँ पर अगर अहमदाबाद शहर की बात करें तो वहां पर भी जो कंक्लूजन निकाला है और बोला गया है कि जो 17% जो लोगों की आबादी है सिटी की वो ही वायरस से अफेक्टेड है अभी तक। और आगे तमिलनाडु जो है वो भी जो है अभी सर्वे करवा रहा है। उसके बाद जो स्टेट बॉडीज हैं और जो कमीशन है वो इन सर्वेस को चेक कर रहे हैं और जो हर्ड इम्यूनिटी के लेवल्स हैं उनको भी इंस्पेक्ट कर रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी मतलब किसी भी इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम है किसी भी जर्म या किसी भी वायरस के साथ लड़ने का। तो यहाँ पर बात की गई है कि 60-70% जो पॉपुलेशन है वो जो है इन्फेक्शन को एनकाउंटर कर रही है। अभी जितने भी लोगों को COVID-19 हुआ है वो उनके अंदर जो हर्ड इम्यूनिटी है वो कोरोना वायरस से लड़ने में कामयाब हुई है। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि अगर ऐसा है तो उनकी यही हर्ड इम्यूनिटी इसको यूज करके हम वैक्सीन की ओर बढ़ सकते हैं। तो इनसे वैक्सीन तैयार करके जो आगे के जो अनअफेक्टेड लोग हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आगे और बात की गई है कि अभी इसके बारे में भी कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो कितनी देर तक जो है काम करती हैं, जीवित रहती हैं और किस एक्सटेंट तक जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं जो फ्रेश इन्फेक्शन हैं उनको। आगे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बोला गया है इट इज नॉट ए प्रिसाइज साइंस एंड नॉट समथिंग दैट आउट टू बी परस्यूड बाय ए स्टेट एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी। सो आगे और डिस्कस करा बोला गया है आगे कि जब इंडिया में
पहले 100 केस आए थे, जो पहले 100 केस आए थे मई महीने की शुरुआत में, तो तभी से जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसका जो सर्वे आया था, उस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया था कि जो रिपोर्ट सरकार के द्वारा बताई गई है, एक्चुअल में जो वायरस की गिनती है उसके बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इन्फेक्टेड हुए हैं इस वायरस के साथ। सो सर्वे सरोलॉजी सर्विस के बारे में आगे बोला गया है कि ये बेस्ट हो सकते हैं, इनको हम यूज़ करें तो पैंडेमिक के बारे में सही इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है और कैसे पैंडेमिक को हमने काबू पाना है इसके ऊपर भी हम जो है विचार बना सकते हैं। तो ये था फर्स्ट आर्टिकल सेरोलॉजी सर्वेस के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये जो आर्टिकल है बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, जबरदस्त आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल है जो नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है उसके बारे में है। तो यहाँ पर बात की गई है, इंडिया ने जो चैलेंजेस फेस किए हैं पुराने समय में एजुकेशन के सेक्टर में, कि क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को दी जाए, यूथ को प्रोवाइड की जाए, वहाँ पर काफ़ी खामियां रही हैं। तो खामियां की अगर मैं बात करूँ तो चाइल्ड एजुकेशन से लेके जो यूथ एजुकेशन है, वहाँ पर जो एजुकेशन का स्तर है बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में वो बहुत गिर रहा है दिन ब दिन। अभी तो ये हाल हो चुके हैं कॉलेजेस में कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो रेगुलर कोर्स कर रहा है, वो घर में बैठ के ही सारी पढ़ाई कर रहा है, जबकि कोविड-19 के वक्त नहीं था, मैं उसके वक्त के पहले की बात कर रहा हूँ, घर में बैठ के ही वो पढ़ाई करते हैं, सिर्फ पेपर देने जाते हैं और उनकी अटेंडेंस भी जो है 75% लगा दी जाती है और कोर्स भी जो है रेगुलर चलता है। यहाँ पर मैं डिस्टेंस के कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ कोविड-19 के ड्यूरेशन के पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तो सभी जो है ऑनलाइन क्लासेस ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आईआईटी है हमारे देश में एक, मेरा फ्रेंड वहां पर गया वहां पर रिसर्च करने के लिए, उसको अच्छे से वहां पर डील ही नहीं किया गया और ना ही उसको रिसर्च करने के लिए उसको मशीनरी प्रोवाइड की गई। हालांकि वो मशीनरी, वो सारे रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर आईआईटी में अवेलेबल थे। तो ऐसा जो स्तर है हो रहा है जो सही नहीं है। हालांकि जब कंप्लेंट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उस आईआईटी के केस के बारे में, तो गवर्नमेंट की तरफ से टीम भेजी गई, इंस्पेक्शन हुई, बाद में जो डायरेक्टर थे वहां के उनको माफी भी मांगनी पड़ी। तो ये चीजें जो है इनको सही होना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है अभी, और भी बहुत सारे जो रूल्स हैं, बहुत सारी जो आने वाले समय में जो एजुकेशन में लूप होल्स हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ये भी काफी हद तक सही है, जो कि बच्चों के ऊपर जो है बर्डन जो है स्टार्टिंग के एज में उसको कम कर रही है। तो चलिए उसी को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बात बोली गई है कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से और कैपेसिटी की कमी की वजह से हमारी जो मदर टंग्स हैं, जो हमारी लिंक लैंग्वेजेस हैं, उनकी कोई ग्लोबली पहचान ही नहीं है, वो एक एलियन की तरह ही जानी जाती हैं। अगर हम भारत में भी बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, हम 22 या 24 लैंग्वेजेस के अलावा और जो छोटी छोटी भाषाएं हैं भारत में हम जानते ही नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको इनके बारे में नॉलेज होगी। और आगे जो बात की गई है, जो लूप होल है हमारी एजुकेशन सिस्टम का, कि जो नॉलेज है और स्किल है इन दोनों में बहुत ही डिस्टेंस है, मिसमैच है। अगर किसी बच्चे के पास नॉलेज है तो प्रैक्टिकली उसको होल्ड करके नहीं बता पाता। तो इसी यही कारण है कि जब जॉब लेने की बारी आती है तो जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो फेल होते हैं उनकी सिलेक्शन नहीं होती, और जो प्रैक्टिकली बच्चे साउंड होते हैं उनकी सिलेक्शन हो जाती है, बेशक उनकी परसेंटेज जो है बहुत कम हो। सो ऐसे चैलेंजेस इंडिया में काफ़ी समय से हैं, तो इनको सही करने की ज़रूरत है। तो अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें जो 10+2 सिस्टम है, मतलब कि 12 साल बच्चा पढ़ाई करेगा, इसको ख़त्म कर दिया गया है। जो नई पॉलिसी के अंदर जो नई जो मॉडल जिसको अडॉप्ट किया गया है उसको 5+3+3+4 मॉडल हम बोल रहे हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, जो कि 3 साल की एज से स्टार्ट होगा। और आगे जो यहाँ पर बात की गई है कि बच्चे का जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं,
जो बच्चा जब ग्रो करता है तो वो 3 साल से लेके 8 साल की उम्र तक है। तो इस केस में ही इन्हीं एज क्राइटेरिया में ही बच्चे का जो है फ्यूचर बन जाता है, बच्चा क्या करेगा, बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, इसका पता चलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर एक और एडिशनल मैं बात कहूँगा कि इसी एज सेक्टर में गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि बच्चों का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जो 3rd क्लास से आगे बच्चे पढ़ाई करेंगे वहीं पर जो है एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम भी होंगे और स्कूल एग्ज़ाम भी होंगे, लेकिन 3rd क्लास से पहले पहले जो है बच्चों को फ्री रखा जाएगा, उनको उनके माइंड को डेवलप किया जाएगा, उनके ऊपर जो बर्डन है वो नहीं डाला जाएगा, जो कि सही खबर है। इसके बाद आगे जो बात की गई है कि 5वीं क्लास तक जो बच्चे हैं जो भी सीखते हैं वो अपनी मदर टंग में सीख सकते हैं, उनको इसकी आज़ादी है, क्योंकि मदर टंग ही ऐसी है जिससे शुरुआत में बच्चा बिल्कुल सही से सीखता है, अच्छे से समझता है, क्योंकि घर में भी वही जुबान बोली जाती है। अगर स्कूल में भी स्टार्टिंग ईयर्स में उसी जुबान में बच्चे को लर्निंग करवाई जाए तो अच्छा होता है। आगे यहाँ पर बात की गई है कुछ पेरेंट्स के बारे में जो कि सोचते हैं कि हम इंग्लिश स्कूल में अपने बच्चे को डाल रहे हैं तो day 1 से ही जो हमारा बच्चा है उसको इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये एक सोच है, हर एक पेरेंट्स के अंदर ये सोच है। तो यहाँ पर बात की गई है एक और कि हमें अपनी लैंग्वेजेस को भी आगे बढ़ावा देना है, उनको आगे लेके आना है, और दूसरी तरफ ऐसा माइंड सेटअप है जो चाहता है कि इंग्लिश जो है हमारे बच्चे को आनी चाहिए। देखो, अगर जहाँ तक हम इंग्लिश की बात करें तो ये अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, अच्छी अच्छी रिसर्च हुई हैं वो सारी की सारी इसी लैंग्वेज में पब्लिश हैं। तो अगर बच्चा इंग्लिश सीखेगा तभी जाकर जो है ऐसी रिसर्च को पढ़ पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं इनमें ज़्यादातर जो रिसर्च हैं, रिसर्च पब्लिकेशन बहुत कम है। ज़्यादातर जो आप रिसर्च आप जो बुक्स देखेंगे हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो रीजनल बेसिस के ऊपर रिसर्चेस हैं या रीजनल टॉपिक्स के ऊपर ही जो बुक्स लिखी गई हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक अहम हिस्सा है, उसको सरकार ख़त्म नहीं कर रही है, वो भी साथ में चलेगी, लेकिन जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको भी जो है साथ में उठाया जाएगा इंग्लिश के बराबर। तो आगे चलते हैं, देखिए आगे बोला गया है कि हो सकता है आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जब बच्चे की उम्र 3 से 8 साल के बीच में होती है तो वो लैंग्वेजेस को लर्न करना सीख जाता है, चाहे मदर टंग है और इंग्लिश है, उन दोनों के मिक्सचर को भी वो बोलना सीख जाता है, जब भी हम उसके स्कूल के पहले 5 सालों की बात करें। आगे जो नया एस्पेक्ट है इस नई पॉलिसी का, तो उसमें जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जैसी स्ट्रीम्स थी हाई स्कूल में, उनका जो पुराना स्ट्रेट जैकेट चलता आ रहा था, जो नीति चली आ रही थी उसको ख़त्म कर दिया है, तोड़ दिया है, और नए वोकेशनल कोर्सेज को जो है इंटर्नशिप के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अभी ये कैसे एग्जैक्टली वर्क करेगा ये जो है समय ही बताएगा। और साथ में ये भी बात बोली गई है कि जो बच्चे +2 के बाद अपनी अलग से एक स्ट्रीम चूज करते थे, अब वो स्कूल एजुकेशन के अंदर +2 से पहले ही अपनी स्ट्रीम को जो है class 9th और 10th में ही अपनी स्ट्रीम को जो है फाइनलाइज कर लेंगे कि हमने अपने फ्यूचर में कौन से प्रोफेशन को जो है ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो वो 9th 10th में ही उसको जो +1 +2 वाले सब्जेक्ट्स हैं उसको मिल जाएंगे, ताकि जो कि आगे जाकर उसका जो सिलेबस है और वास्ट हो और अपने फील्ड में ही वो बच्चा आगे बढ़े। सो ये चीज़ एक अच्छी है। अगर हम बात करें बच्चे के साइकोलॉजी के बारे में, तो अगर बच्चे का साइकोलॉजी टेस्ट हो तो पता चल जाता है कि बच्चे का किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो वो अगर जब स्कूल ड्यूरेशन में ही जब वो काम कर रहा होता है तो उसकी एक्टिविटीज के साथ, उसके इंटरेस्ट के साथ ये चीज़ पता चल जाती है कि बच्चे का फ्यूचर किस स्ट्रीम में हो सकता है। तो इसलिए सरकार ने इसको पहले ही कर दिया है, जो कि पुराने समय में जो था +2 के बाद नई स्ट्रीम होती थी नई ग्रेजुएशन के साथ, और +1 +2 में नई स्ट्रीम होती थी, जैसे
आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जैसी स्ट्रीम्स अलग अलग जैसे डिवाइड होती थी। उसके बाद आगे बोला गया है कि जो ब्लू कॉलराइजेशन है वोकेशंस की हमारी सोसाइटी में, वो भी एक तरह का हर्डल है जिसको कि हमें खत्म करना चाहिए, बट इसके लिए हमें जो है पॉलिसी जो है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसकी जो मेरिट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करेगा करना पड़ेगा। उसके आगे बोला गया कि अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो आने वाले समय में जो कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है कि बच्चों की अटेंडेंस जो है कितनी है स्कूल में, आने वाले समय में 2030 तक ये 100% हो सकती है कि बच्चे जो हैं उनकी एनरोलमेंट जो है बढ़ रही है स्कूल्स में, और बच्चे जितने पीरियड लगते हैं सारे अटेंड कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस जो है सही चल रही है, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे वो भी जो है स्कूल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे गरीब परिवार से आ रहे हैं वो भी बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो ये भी आने वाले समय तक जो है 100% हो सकती है। आगे बात की गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे हैं उनको इनेबल किया गया है कि वो हायर एजुकेशन में कोई भी डिसिप्लिन में अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको वहां पर पोर्टेबिलिटी मिलेगी। अगर वो एक कोर्स कर रहे हैं उसके बाद अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो शिफ्ट कर सकते हैं, और जब भी चाहे एग्जिट कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट जो है दिया जाएगा, डिप्लोमास और डिग्रीज जो है उनको अवार्ड की जाएंगी। उसके बाद जो आगे बात की गई है, आगे यही बोला गया है कि जो हायर एजुकेशन है वहां पर भी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक करने की जो है कोशिश है 2035 तक। उसके बाद जो एक नई नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई गई है जो कि जो रिसर्च के लिए सपोर्ट करेगी एजुकेशन में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। उसके बाद जो रोल है हमारे कॉलेजेस का GER टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए कॉलेजेस को जो है एम्पावर किया जाएगा, उनको ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस बनाया जाएगा। ऑटोनॉमस मतलब कि वो जो भी काम करेंगे खुद ही एडमिशन करेंगे, फीस सेलेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे, सैलरी डिसाइड करेंगे और बच्चों को डिग्रीज जो है वो देंगे। तो इसमें जो है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम हो जाएगी, जो भी डिसीजन होगा वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कॉलेज जो है अपने दम पर लेगा, और जैसे भी वो अपने अकॉर्डिंग जिस भी इंस्टीट्यूशन को चलाएंगे तो इस चीज़ को वो ध्यान में रखना होगा उनको कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये जो है बढ़नी चाहिए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट दिखाएं और वहाँ आके रिसर्च और अलग फील्ड्स में जो है पढ़ाई करें। और जो आगे बात की गई है कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो एक प्रक्रिया चल रही है काफ़ी लंबे समय से कि एक यूनिवर्सिटी होती है उससे उसके साथ बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, मोस्टली ऐसी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसके साथ अलग अलग एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं पूरे स्टेट में होते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस को जो है फेस आउट करना होगा जहां से कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है। तो आगे बोला जा रहा है कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वहां के जो मेथोडोलॉजीज है उसमें भी जो है बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि जिसमें जो बच्चों का GER टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में एनरोल होने का टारगेट है, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और सही तरीके से जो है बच्चों को लर्निंग मेथोडोलॉजी के साथ पढ़ाया जा सकता है। आगे बात कर रहे हैं रेगुलेशन के बारे में, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, तो वहां पर एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो जो वहां पर पीरियोडिक इंस्पेक्शंस होती थी उससे उनको फ्री कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर उनको सेल्फ असेसमेंट के लिए रास्ता दिखाया जाएगा कि वो खुद ही अपनी वॉलंटरी डिक्लेरेशन करेंगे कि क्या क्या उनके स्कूल या कॉलेजेस में खामियां हैं और क्या क्या उनकी जो है प्राप्तियां हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सरकार के द्वारा कोई भी किसी एक स्कूल का हेड दूसरे स्कूल में जाता था इंस्पेक्शन के लिए, ऐसे ही यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर जाते थे कॉलेजेस में इंस्पेक्शन के लिए कि कोर्सेज सही तरीके से चल रहे हैं या बच्चों की एनरोलमेंट अच्छी है या नहीं है। सो इसको भी जो है हटा दिया गया है, जो कि स्कूल कॉलेजेस की सेल्फ असेसमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। सो उसके आगे ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है
अगर इस तरीके से रेगुलेशन की जाएगी सेल्फ असेसमेंट के तरीके से, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आने वाले समय में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ेंगे, और जो पब्लिक परसेप्शन है वो भी जो है 24 घंटे जो है अवेलेबल होगी इंस्टीट्यूशन के पास, हर समय जो है वो निगरानी रख सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज उनके इंस्टीट्यूशन में हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी स्टैंडर्ड्स में, एजुकेशन की क्वालिटी में और इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट में। इसके आगे और बात कही गई है कि नए स्टैंडर्ड जो है वो सेट होंगे, जो फंडिंग के बारे में या एक्रेडिटेशन के बारे में या रेगुलेशन के बारे में, ये जो नए स्टैंडर्ड सेट होंगे इससे जो है एक तरह का लाइट और टाइट ओवरसाइट मिलेगी, जिससे कि निगरानी रखी जा सके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जिससे कि ना कि किसी तरह का लाइट इम्प्रेशन पड़ेगा लेकिन एक टाइट जो है निगरानी हो सकती है अलग अलग स्कूल्स में कॉलेजेस में। उसके आगे बात की गई है कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो अभी भी ये बहुत बड़ी इनक्वालिटीज और चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जो डिसएडवांटेज लोग हैं या डिसेबल्ड हैं वहाँ पर अभी भी इनक्वालिटी है, एजुकेशन जो है सब तक नहीं पहुँच रही है। वहाँ पर आगे बात की गई है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो जोर दे रही है कि जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं या जिनके पास सपोर्ट नहीं होती है पढ़ने की, उनको जो है सपोर्ट दी जाएगी, कोई भी बच्चा भारत में एजुकेशन के बिना नहीं होगा आने वाले समय में, ये पॉलिसी का जो है मोटो है। और जो भी चैलेंज्ड चाइल्ड होगा उसको भी जो है स्पेशल सपोर्ट जो है उसको दी जाएगी उसके जरूरत मुताबिक। उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि जो हमारा एंशियंट इंडियन लैंग्वेजेस हैं और जो हमारा इंडिया का नॉलेज सिस्टम है इसको भी जो है अटेंशन मिलेगी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ। तो इन सब के लिए अगर सभी सेक्टर को साथ में लेकर चलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को रिसोर्सेज चाहिए, फंड चाहिए। तो उसके लिए जो है सरकार ने 6% जो है GDP का वो सेट किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन सेक्टर में GDP का 6% हिस्सा जो है स्पेंड किया जाएगा हर साल। और ये अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, इंडिया का एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा है, वहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं वो थोड़े कम हैं, तो इसलिए जो है नेशनल जो हमारा एक्सचेकर है, जो हमारे भारत का खजाना है, उसके ऊपर जो है काफ़ी डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी, बोझ पड़ेगा। तो साथ साथ में हमें हेल्थ केयर को भी ट्रीट करके चलना है, नेशनल सिक्योरिटी को भी देखना है, और भी जो अदर सेक्टर्स हैं उनको भी हमें साथ लेकर चलना है। तो GDP का जो भी हमारा नेट एक्सचेकर होता है भारत के पास, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसको सही तरीके से बांटना पड़ेगा। उसके बाद एक और बात लास्ट में जो है ऑथर बोल रहा है कि चाहे रिसोर्सेस ना भी हों, अगर रिसोर्सेस कम भी हों तब भी जो है ऐसा नहीं है कि जो एजुकेशन है उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी या एजुकेशन नहीं फैलेगी। अगर कम रिसोर्सेस भी हों तब भी हम एजुकेशन को फैला सकते हैं, जो हमारी विल है, इफ द पब्लिक एंड पोलिटिकल विल कैन बी मस्टर्ड रिसोर्सेज विल फाइंड देयर वे फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज। अगर हमारी विल स्ट्रांग होगी तो चाहे वो पब्लिक में चाहे वो पॉलिटिकल विल है, तो रिसोर्सेज जो अपनी जगह है वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे, पब्लिक में भी और प्राइवेट रिसोर्सेज में से जगह सोर्सेज में से रिसोर्स लेकर। लास्ट में बात बोली गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोवाइड्स द इंग्रेडिएंट्स एंड द राइट रेसिपी, कि सही इंग्रेडिएंट्स और सही रेसिपी जो है प्रोवाइड कर रही है हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए, और व्हाट वी मेक ऑफ इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन अस, जो भी हम बनाएंगे वो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट होगा आने वाले समय में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज के। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक जो है ये नॉलेज पहुँचे और बच्चे जो हैं अपने जीवन में आगे तरक्की करें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।